बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मुर्ग छोले, जिसमें चिकन जो है वो बोनलेस हम यूज़ कर रहे हैं 1 kg, 2 अदद प्याज हैं और 2 जो है वो टिन के चने के हैं, बॉयल चिकपीस के। अगर आपके पास घर में चने हैं तो आप उन्हें बॉयल करें और पानी को वेस्ट नहीं करें। प्याज शामिल कर दीजिए और इसको गोल्डन ब्राउन कर दीजिए। जैसे प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो जाए तो आप इसको रिमूव कर लें। प्याज को मैंने निकाल लिया है और अब ये थोड़ा सा गर्म मसाला है जो हम ऑयल में डालेंगे। गरम मसाला शामिल कर देना है, इसको 1 मिनट का टाइम देना है। जैसे ही हल्का सा भुन जाए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, टू टी स्पून, और इसको जलने नहीं देना है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। बिल्कुल भी आपने मिर्च को जलने नहीं देना, हल्की हल्का जो सौंधापन है, जो खुशबू है, ये इसी की आएगी। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और फ्लेम को करेंगे हाई और इसकी कर देंगे भुनाई स्टार्ट। बाकी के मसाले इसकी थोड़ी भुनाई के बाद शामिल करें। इसमें जो शामिल कर देंगे लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का 1 tablespoon भर के तीनों का पेस्ट, अगर आपके पास अलग अलग है तो 1/2 teaspoon तीनों का थोड़ा थोड़ा सा शामिल कर लीजिए। मैं तीनों का पीस के रखती हूँ इसलिए एक साथ डालेंगे। नमक है 1 teaspoon, जीरा पाउडर 1/2 teaspoon, धनिया पाउडर 2 teaspoon और चिली पाउडर है 1 teaspoon और इसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। पानी अभी इसमें है, इसे ड्राई होने का टाइम देंगे और जो ब्राउन हुई प्याज है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आधे चने मैंने अलग कर लिए हैं और इनको, और दूसरे 1/2 चने मैंने इसी के पानी में, आप किसी भी मैशर से मैश लेके आपने इसको मैश कर देना है अच्छे तरीके से। 1 pinch हल्दी पाउडर, साथ ही आप इसमें शामिल कर देंगे जो आपने प्याज ब्राउन किया हुआ था वो, ये चने जो हाफ हमने निकाल लिए, और ताकि चिकन के साथ साथ इसकी भी खूब अच्छे तरीके से भुनाई होती रहे। और इसकी करते हैं खूब अच्छे तरीके से भुनाई। खूब अच्छी तरह भुनाई हो गई है और अब हम ये जो इसमें थोड़ा सा ऑयल है ये निकाल लेंगे, क्योंकि जब इसमें किसी भी चीनी जाएंगे तो ये ऑयल जो है वो उसमें थोड़ा मिक्स हो जाएगा, तो जब हमने आपको सर्व करना होगा तो ये ऑयल ऊपर से डालें। तकरीबन कोशिश करेंगे कि सारा ऑयल जो है वो इसमें डाल दें। और अब करेंगे चिकन की खूब दोबारा भुनाई और अब हम डालेंगे इसमें चने का जो हमने फ्रेश कर दिया था चने को। अभी भी बहुत ज़्यादा थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी ये 10 मिनट हमें और पकाना है, इसमें क्या होगा ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया। अब डालेंगे इसमें पानी, इससे पहले जो मैंने पानी डाला है वो मैंने डाला था चनों का जो पानी था, अब एक्स्ट्रा मैंने पानी डाला। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, पाउडर नहीं डालना आपने, क्रश चिली डालनी है इसके अंदर 1 teaspoon। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सोडा, काफ़ी बाजार वाले ठेले वाले चनों का फ्लेवर है, 1/2 teaspoon इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो भी आप कहते हैं। इसको रख देंगे आप लाइट फ्लेम करके पकने में। सोडे से क्या होगा इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त यमी फ्लेवर आएगा, बिल्कुल आपको बाजार के मुर्ग छोले वाला इसके अंदर फ्लेवर आएगा, वरना ये बिल्कुल शोबे वाले सालन की टेस्ट देगा अगर आप इसमें सोडा शामिल नहीं करेंगे। लाइट फ्लेम पे रख दें 10 मिनट जी। ये देखिए 10 मिनट के बाद चने रेडी हैं, ज़बरदस्त हो गए। अब इनको सर्व करके दिखा, चने हमने निकाल लिए हैं। अब जो हमने ऑयल उतारा हुआ था हांडी पर से, देखिए आपने पकने की वजह से थोड़ा सा ऑयल जो है उड़ता था, इसलिए मैंने ऑयल पहले निकाल लिया। अब हम सर्विंग के टाइम ऑयल को ऐसे ऊपर से थोड़ा सा छिड़केंगे और देखिए क्या ज़बरदस्त आपके जो ये चिकन छोले रेडी हुए। अगर आपको हमारी डिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्यार और मोहब्बत के साथ नई नई डिशें लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।